हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे कि आपके खरड़ में प्रॉपर्टीज़ के क्या क्या रेट चल रहे हैं। तो आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ इंडिपेंडेंट हाउसेज जो कि हमने ऑलरेडी कस्टमर को हैंड ओवर करा है। आपने इसकी बहुत सारी वीडियोज़ देखी होगी मेरे चैनल पर, और ये अभी हमने एक दो दिन पहले ही हमने कस्टमर को हैंड ओवर कराया। उन्होंने अपना फर्नीचर का आधा सामान यहाँ पे रख दिया है। तो बात करते हैं लोकेशन की। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी लोकेशन में लेना जहाँ ऑन हाईवे हो और आपको सारी चीज़ें वॉकिंग डिस्टेंस पे मिले, तो ये आपके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी है। तो ये लोकेशन है मोहाली नियर खरड़ लुधियाना हाईवे पे लोकेटेड है, और आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, बैंक्स हो गए आपके, और होटल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल रही है। तो MC अप्रूव्ड है, गेटेड सोसाइटी के अंदर है, जहाँ पे आपको पार्क भी मिल रहा है। इस प्रोजेक्ट में हमारे पास 4 BHK इंडिपेंडेंट हाउसेज है। या आप कोई अदर लोकेशन देखना चाहते हैं तो वहाँ पे हमारे पास 3 BHK है, 100 गज में, 112 गज में। तो ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट हम आपके लिए लेके आए, सेम इसी तरह से रेडी होगा, बस थोड़ा सा इंटीरियर में डिफरेंट रहेगा। लाइक किचन की जो ये कलर कम्बिनेशन है, ये थोड़े से चेंज होंगे, बाकी जो भी हमने मटेरियल लगाए हैं, मटेरियल यूज़ करे हैं, वो सेम एज इट इज़। जैसा आप इस प्रोजेक्ट में देखा होगा, आपने अंडर कंस्ट्रक्शन की मेरी जितनी भी वीडियोस देखी है, मटेरियल हमने सारे में सेम यूज़ करा है, बट थोड़ा सा इंटीरियर में थोड़ा डिफरेंट करें। लाइक डाउन सीलिंग हो गया, टाइल्स का हो गया, वॉलपेपर हो गया, वुडन्स का काम हो गया, ये थोड़ा सा चेंजेस हमने करा है। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ऑन डिमांड बनाई थी हमने कस्टमर के चॉइस के अकॉर्डिंग इंडिपेंडेंट हाउसेस। 3 BHK है ये, इसमें लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है, MC अप्रूव्ड ये एरिया, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास सारे MC अप्रूव्ड है और ओन हाईवे है। और इसी के साथ ही हम चलते हैं सीधा अपने फ्रंट एलिवेशन पे, देखते हैं क्या किस तरह से हमने बनाया है, और फिर देखते हैं इसका इंटीरियर व्यू कि कैसे क्लाइंट्स ने इसमें जो भी फर्नीचर लगाया है किस अकॉर्डिंग लगाया है, या कितना स्पेस रहता है, कितना स्पेशियस है, वो देखते हैं आज। तो चले फिर चलते हैं सीधा इसके फ्रंट एलिवेशन पे। सो लेट्स गो हैव अ लुक। तो गाइज, ये था इस घर का फ्रंट एलिवेशन। तो चले फिर चलते हैं हम सीधा अंदर की ओर। तो यहाँ से ही आपके स्टेप्स बने हैं जिसमें प्रॉपर आपके रैंप्स रहेंगे, और ये आ जाता है आपका मेन गेट। मेन गेट की बात करें, स्टील का आपको गेट प्रोवाइड करवा रहे हैं जिसमें वुडन का टच रहेगा। और इसी के साथ ही जैसे ही आप यहाँ से अंदर की ओर एंटर होते हैं, तो ये आपको पार्किंग एरिया मिल रहा है जो काफ़ी स्पेशियस है। यहाँ पर आप इजीली अपनी कार पार्क कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही अगर इस साइड को देखें, हमारे लेफ्ट साइड में ये आ जाता है हमारा 2-व्हीलर पार्किंग एरिया। तो यहाँ पे आप 2-व्हीलर अपना इजीली पार्क कर सकते हैं, और अंडरग्राउंड वाटर टैंक आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं ताकि पानी की आपको कोई कमी ना रहे। तो आए दोस्तों, ये आपका आ जाता है मेन डोर। मेन डोर से अंदर एंटर होते ही इस साइड को आए तो ये आ जाता है आपका सेकेंड वुडन का डोर। जो भी हम वुडन का डोर यूज़ कर रहे हैं वो सागवान वुडन यूज़ कर रहे हैं। तो फिर हमने एंटर कर दिया है अपने लिविंग एरिया में। लिविंग एरिया की बात करें, काफ़ी स्पेशियस है। यहाँ पे आप इजीली अपने सोफे विद टेबल आप प्लेस कर सकते हैं। जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी ये वाली कोठी की, तो आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि हमने सोफ़ा लगाया था, उसके बावजूद भी काफ़ी स्पेस रहता है। ये वाली वॉल पे आपको वॉलपेपर, जो कि अभी चॉइस है अंडर कंस्ट्रक्शन हाउसेस में, यहाँ पे तो ऑलरेडी लग चुका है, ये भी कस्टमर ने अपने चॉइस के अकॉर्डिंग लगाया है। फैंसी लाइट्स आपको 2 प्रोवाइड करवा रहे हैं, और AC के लिए प्रोविज़न, और आपके लिविंग एरिया के फ्रंट में ही आपको LCD पैनल मिल रहा है। ये LCD पैनल भी आप देख सकते हैं, ये देखें आप, ये प्रॉपर स्लॉटिंग्स वगैरह यहाँ पे हो रखी है। वार्म लाइट्स, ये भी हमने उनको डिज़ाइन दिया था, कुछ डिज़ाइन हमने उनको बताए थे कि किस तरह का बनाना है, उन्होंने एक सेलेक्ट करके ये वाला बनाया, तो काफ़ी अच्छा और एलिगेंट लग रहा है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे बेड है, ये अपना जो बेड है ये अपना फर्स्ट फ्लोर के लिए है, जो कि अभी उन्होंने यहाँ पे रखा है। और ऊपर देखिए, ऊपर अभी डाउन सीलिंग विद लाइट्स, और ये देख सकते हैं झूमर आपको बीच में रहेगा, फ़ैन उन्होंने अपने अकॉर्डिंग लगाया है, झूमर भी अपने अकॉर्डिंग लगाए हैं। तो
आए दोस्तों, हमारे राइट साइड में आ जाता है किचन एरिया। किचन एरिया की बात करें काफी स्पेशियस है और प्रॉपर आपको जैसे आप देख रहे हैं किचन वैसे ही प्रॉपर मिल रहा है। और इस साइड को देखें तो यहाँ पे आपकी वैनिटी, ये भी प्रॉपर आपकी सेम एज इट इज़, आप इसको इजी टू रिमूव कर सकते हैं। अगर कुछ भी टमाटर रखने हो या प्याज रखने हो, आप यहाँ पे रख के इसको कट करके फिर उसके बाद इसको यहाँ पे आप इजीली हैंग कर सकते हैं। देखा आपने, जैसे मैंने करा है आप भी इसी तरह से अपने घर पे कर सकते हैं। इस साइड को देखिए तो यहाँ पे प्रॉपर आपको टैप्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। बाथ फिटिंग हमारी रहेगी सेरा ब्रांड की, ग्रेनाइट ग्रे। और यहाँ पे हम आपको क्या कर रहे हैं, कॉर्नर भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, ये इजीली पुश और पुल है। जो सामान आप अपना लाइक आलू हो गया, जो भी मसाले मसूले अगर रखना चाहें, अगर आप रखना चाहें वो आप इसलिए यहाँ रख सकते हैं। तो प्रॉपर हमने आपको आरओ के लिए भी यहाँ पे कबर्ड दिया है, क्योंकि बाहर अगर आरओ होगा तो बड़ा ही ऑकवर्ड सा लगता है बाहर आरओ। तो यहाँ पे हमने प्रॉपर जो है आपको कटिंग करके दे रखी है, ये देख सकते हैं आप। एक सेकेंड मैं दिखाती हूँ, प्रॉपर कटिंग करके दे रखी है। आरओ के लिए भी कबर्ड्स दिए हैं और गीज़र के लिए भी आपको कबर्ड्स दिए हैं। और ये चिमनी के लिए स्पेस है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका गैस पाइप का कनेक्शन है, जो सीधा आपका गैस है वो आपका स्टेयर्स के नीचे जो यूटिलिटी एरिया है वहाँ पे लगेगा। यहाँ पे आप अपना डबल डोर फ्रिज प्लेस कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा और स्पेशियस है। कबर्ड्स की हमने कोई कमी नहीं दी है, क्योंकि किचन में बहुत सारे यूटेंसिल्स ऐसे होते हैं जो हमारे कभी कभार यूज़ होते हैं, जब हमारे घर पे बहुत सारे गेस्ट आते हैं या कभी फंक्शन होता है तब यूज़ होता है। तो चलो फिर आओ दोस्तों, हम भी आपको ज़्यादा बोर नहीं करते हैं और आप भी इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि कितना स्पेस है इस घर में। तो देख सकते हैं डबल बेड लगने के बाद बोथ साइड स्विचेस है। यहाँ पर आपको 3-3 फुट की बोथ साइड आपको जगह मिल रही है, जहाँ पे आप अपना साइड टेबल लगा सकते हैं। ये वाली वॉल पे आपको कबर्ड्स। इस वीडियो को दिखाने का मकसद मेरा ये ही था कि मैं आपको बताऊं कि बेड लगने के बाद कितना स्पेस रहता है। और इस साइड को देखिए, वॉलपेपर भी उन्होंने अपने चॉइस के अकॉर्डिंग लगाया है। कलर कम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत पसंद आ रहा है। आपको पसंद आ रहा हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और इस साइड को देखिए, LCD पैनल है, साथ ही साथ आपको यहाँ ड्रेसिंग एरिया भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। काफ़ी अच्छी ऑप्शन है, ये देख सकते हैं। यहाँ पर आप अपना मेकअप का सामान रखना चाहें वो भी आप रख सकते हैं, कुछ भी रखना चाहें। वेंटिलेशन आपको प्रॉपर मिल रही है। कूलर लगाना चाहते हैं कूलर लगा सकते हैं, विंडो एसी लगाना चाहते हैं विंडो एसी आप लगा सकते हैं। और इस साइड को देखते हैं, ये अपना आ जाता है वॉशरूम। वॉशरूम की बात करें काफ़ी स्पेशियस है, 5x6 गांव का वॉशरूम है। और यहाँ पे वॉल टू वॉल टाइल्स मिल रही है, कॉर्नर मिल रहे हैं। बाथ फिटिंग आपको सेरा ब्रांड की रहेगी, वॉश बेसिन आपका आ जाता है, शावर के लिए प्रोविज़न, गीज़र के लिए प्रोविज़न, टावल होल्डर, आपका हैंगिंग शीट्स, ये सारी चीज़ें आपको इस घर पे मिल रही है। वॉशरूम आपको एज इट इज़ है, जैसे आपने देखा होगा कि बेड लगे हैं, बेड उन्होंने अपने चॉइस के अकॉर्डिंग लगाया है। तो चलो फिर चलते हैं हम अपने सेकंड बेडरूम की तरफ। तो सेकंड बेडरूम भी सेम एज इट इज़ है, बस थोड़ा सा वॉलपेपर का चेंज है और डाउन सीलिंग का। ये देख सकते हैं, ये आपका सेकंड बेडरूम है। स्पेस आपने देख ही लिया है कि कितना स्पेस है आपको। प्रॉपर यहाँ पे कबर्ड्स, एसी के लिए प्रोविज़न, और आपने देखा ही होगा हॉल बेडरूम सभी में हमने आपको एसी दिया है। ऊपर देखिए, ऊपर आपको डाउन सीलिंग के लिए प्रोविज़न दे रहे हैं। और इस साइड को आए तो यह आ जाता है आपका अटैच वॉशरूम। वॉशरूम भी सेम एज इट इज़ है, जैसे आपने फर्स्ट वाला देखा था। तो ये देख सकते हैं आप, वॉल टू वॉल टाइल्स, फुल हाइट तक टाइल वर्क है। जो हमारा अपना फर्स्ट फ्लोर है उसमें हमने 8 फीट तक ही आपको टाइल वर्क दे रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा है। इस साइड को देखते हैं, ये अपनी वॉशिंग एरिया है। वॉशिंग एरिया भी काफ़ी स्पेशियस है, यहाँ पे आप इजीली अपनी 2-3 मशीनें आप लगा सकते हैं, कपड़े वगैरह वॉश कर सकते हैं। टैप्स दे रखे हैं, स्विचेस आपको यहाँ पे दे दिए हैं। तो चले फिर चलो कैमरा मैन, तो ये था हमारा ग्राउंड फ्लोर में बना हुआ 2 BHK। और हमारा जो फर्स्ट फ्लोर है उसमें हमने क्या करा है, उसमें हमने आपको 1 BHK दिया है।
वन बी एच के मीन्स बेडरूम हो गया, किचन हो गया, छोटा सा हॉल है और आपको अटैच ही हॉल और बेडरूम का कॉमन वॉशरूम हमने वहाँ पे दिया है। तो ये थी मेरी वीडियो, बाकी हमारे पास प्लॉट्स भी अवेलेबल है अगर आप चाहते हैं इसी तरह का घर बनाना, वो भी हम आपको बना के देंगे। और हमारे अभी अंडर कंस्ट्रक्शन घर चल रहे 108 गज में 4 BHK, 112 गज में 4 BHK और बाकी 3 BHK भी है 100 गज में और 112 गज में। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। बाकी की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। अगर कोई और वीडियोज़ आपने देखनी है अंडर कंस्ट्रक्शन या रेडी टू मूव घर की वीडियो, वो आपको डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियोज़ के लिंक मैंने दिए हैं, वहाँ पर आके आप देख सकते हैं। आप डायरेक्ट यहाँ पे भी विज़िट कर सकते हैं, स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि नंबर चल रहा है, उस पर आके कॉल कर सकते हैं। और इसी के साथ ही बाकी साथ वाली कोठी में भी काम चल रहा है, तो आपको थोड़ी आवाज़ आ ही रही होगी। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अपने फ्रेंड्स तक हमारे चैनल को शेयर करिए, ताकि उन्हें आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन का पता चले और आपको भी पता चले खरड़ में प्रॉपर्टीज़ के क्या रेट चल रहे हैं। हमारा कंस्ट्रक्शन का भी काम है, हम कंस्ट्रक्शन भी करवाते हैं। और बाकी कुछ भी आपने जानना हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, वहाँ पे आके आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे दे देंगे। तो बाकी इसी के साथ ही मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट लोकेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड नमस्ते।